गोपी वो एक बात बताओ, तुम्हें तो अच्छे खासे गीत पता होंगे, तुम्हें कोई अच्छा सा गाना पता हो तो बताओ। कोकिला भाई, ये सब गोपी से क्यों पूछ रही हो? तुम्हें याद है वो गरबा भाई, जिस पर शादी के बाद हम दोनों ने डांस किया था? वो भी तो गरबा प्रतियोगिता थी, और क्या खूबसूरत डांस किया था तुमने। वैसे कोकिला, लोगों की नजरें तुम पर थी, मतलब गरबा इतना अच्छा कर रही थी, लोगों की नजरें तो टिकेंगी। हो गया आपका, अब बस भी। मोटा भाभी, आप ही इन्हें रोकिए। वैसे पराग भाई ने गलत भी क्या कहा है कोकिला, तुम मानो या ना मानो, मोदी परिवार में तुमसे ज्यादा अच्छा गरबा और कोई नहीं खेल सकता। हो गया मोटा भाभी, सुबह से आपको कोई नहीं मिला तो आज मेरी जेठानी मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही है। लेकिन एक बात तो है मोटा भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो गाना बहुत ही प्यारा था, मुझे आज भी याद है। अरे हाँ गोपी वो, मैंने तुम्हें गरबा प्रतियोगिता में नृत्य करते हुए देखा था, अनजाने में ही सही पर बहुत ही अच्छे और अनोखे नृत्य स्टेप्स कर रही थी तुम, तो हम दोनों मिलकर इस गाने के नृत्य में कुछ नयापन ला सकते हैं। ओके मोटा भाभी, तो गोपी वाओ चलो हम अभ्यास शुरू कर लेते हैं। तुम लोग शुरू करो, मैं अभी आती हूँ साथ। गोपी दिखरा, मुझे गाना आज भी याद है, मैं लगाता हूँ। गोपी वो, अब तुम शुरू हो जाओ। माजी मैं गोपी दिख रहा, इसमें शर्माने की क्या बात है, और वैसे भी तुम अहम के साथ गरबा प्रतियोगिता जीत चुकी हो, चलो डांस करो। गोपी वो गणपति का नाम लेकर शुरू करो। अहम दिकरा, आज ऑफिस से जल्दी आ गए तुम? जी, अब जय श्री कृष्ण मॉम। जय श्री कृष्ण। गोपी वो, हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास बंद करते हैं, तुम अहम के लिए चाय लेकर आओ, जाओ। मम्मी, तागड़ी ने अपना डांस कंपटीशन के लिए गाना भी चुन लिया, अपनी गोपी वो के साथ डांस की रिहर्सल भी कर रही है। संसार नो आठमो आश्चर्य, कागड़ी और डांस। इतना भारी वजन लेकर उसे तो चलना ही भारी पड़ता होगा, और ऊपर से डांस, वो तो खाली फुदक लेगी ऐसे ऐसे करके। नहीं मम्मी, अच्छा खासा डांस कर लेती है, सच कहूं तो बहुत बढ़िया। और उल्टा मेरी सासू माँ, वो तो बस डांस प्रैक्टिस करने के लिए तैयारी नहीं है, वो कह रही है कंपटीशन में जाके हम सिर्फ मजा मारेंगे। और वो जिगर जी, वो यथा माता तथा पुत्र। मम्मी ऐसे तो मैं पक्का हारने वाली हूँ, देख लेना। ती बहन तो तने हरावी ने छोड़ छे। हाँ, पर एक चीज तुम दोनों को हार से बचा सकती है। क्या? कर इस प्रतियोगिता में मैं तेरे साथ हिस्सा लूं तो मैं तेरी मदद करती रहूंगी,
आप मम्मी क्या बकवास की बातें कर दी है? आप कंपटीशन में भला कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं? आप कुछ नई कलाकारी सोचिए प्लीज। एक मिनट, अगर छोटी कागड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले तो उसके साथ तो मैं आ ही सकती हूँ। ये समझ मारी बात, छोटी कागड़ी मोदियों की दिक्री है अने अजी सुधी मोदी छे, तो ये हक से तो मैं उसके साथ भाग ले ही सकती हूँ ना। अरे हाँ अम्मी, ये बात तो आपने पति की है, लेकिन नहीं, वो छोटी कागड़ी इस कंपटीशन में भाग कभी नहीं लेगी और आपके साथ तो कभी भी नहीं। अरे ये सब तू मुझ पर छोड़ दे, तू तो सिर्फ प्रतियोगिता जीतने की तैयारी कर। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूंगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। घर से है? जरूर माँ का ही होगा। हेलो। हेलो राशि, मैं किंजल बोल रही हूँ। अभी मेरे फोन पे एक मिस कॉल आया था घर से। जरूर माँ ने किया होगा, तुम प्लीज जरा माँ को बुला दोगी? अब नहीं काकी जी, वो अभी बहुत बिजी हैं। तो तुम मुझे बता दो, मैं उन्हें तुम्हारा मैसेज दे दूंगी, या फिर मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें बाद में फोन करें। ठीक है? माँ बिजी है किस काम में? किंजल भाई, वो क्या है, हमारे कॉलोनी की लेडीज ना सास बहू कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है संडे को, तो काकी जी और गोपी उसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, और हाँ मैं और मम्मी जी भी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो राशि, तुम प्लीज जरा माँ को बुला दोगी, क्योंकि मुझे इस कॉम्पिटिशन वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ तुम्हें इस कॉम्पिटिशन में क्यों दिलचस्पी होगी? क्या है, इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ हमारे पॉश लोकैलिटी के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। तुम राजपाल नगर वालों को तो यहाँ घुसने भी नहीं दिया जाएगा। किंजल बेन, आप अपने आप को अपने बस्ती के हिसाब से ही अपने आप को ढाल लीजिए। वैसे हाँ मुझे याद आया, हमारे गली में ना कभी कभी नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, और नवरात्रि के दिनों में तो छोटे मोटे डांडिया के कॉम्पिटिशन तो होते ही, तो तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। राशि, राजपाल नगर नुक्कड़ नाटक, आखिर तुम ये सब कहना क्या चाहती? और वैसे भी एक बात तुम बिल्कुल मत भूलो कि आज भी मैं मोदी खानदान की बेटी ही हूँ। अब पड़ा है छोटी कागड़ी के कराग्रम हाथों। हेलो, कोकिला मोदी बोलू छु। मैं सविता बोल रही हूँ। सविता बेन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। कहिए किस काम से फोन किया? मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि रविवार को जो सास बहू प्रतियोगिता रखी थी वो रद्द कर दी गई है। प्रतियोगिता रद्द हो गई है? क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये प्रतियोगिता होने वाली थी वहाँ बारिश होने की वजह से प्रोग्राम हम लोग नहीं रख सकते। बारिश की वजह से? जी साचू कहूँ कोकिला बेन, आ वात नु तो मने पर बहुत दुख छे। आपको और आपकी गोपी बहू को मात देने के लिए हमें लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वैसे ये बात सुनकर आपकी चिंता तो दूर हो गई होगी। साचू कहूँ छू ने कोकिला बेन? सविता बेन, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको खेद करने का और ना ही निराश होने का मैं मौका दूंगी। अगर आपको इस प्रतियोगिता के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो आप ये प्रतियोगिता मोदी भवन में रखिए। क्या? मोदी भवन हमारा घर बहुत बड़ा है, और उससे भी बड़ा यहाँ रहने वाले लोगों का दिल। और जहां तक चिंता करने की बात है तो फिर
चिंता मुझे नहीं बल्कि आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हर बार आपने हमें चुनौती दी है और हमने आपको हराया है, तो इस बार भी आपको हराने का मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए ये प्रतियोगिता मोदी भवन में होगी। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन।